राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़े दल के रूप में जनादेश दिया था। देश के हालात को देखते हुए इन लोगों ने जो फैसला लिया है, ये बकायदा लीडर फैसला है। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और टोटल मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधु, आज का प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है और मुझे बताने में भी बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार का जब चुनाव हुआ था तो 2020 का, उसमें जनता ने जनादेश जो दिया था वो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़े दल के रूप में जनादेश दिया था। यानी सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई पार्टी थी तो राष्ट्रीय जनता दल थी और लगभग हमें 75 सीटें मिली थी और एक बाय इलेक्शन हुआ जिसमें कि बौचाहा की जनता ने फिर से जो एनडीए के खाते में जो सीट था उसको महागठबंधन के खाते में, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आशीर्वाद अपना बौचाहा की जनता ने दे करके 75 से 76 सीट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा कि भाजपा के लोग जो है उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई, क्योंकि जो 3 सदस्य वीआईपी के थे वो उनके साथ जुड़ गए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और एआईएम के सदस्य जुड़े हैं, जोगीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजार अशफी कोचाधामन से और सईद रकनुद्दीन अहमद जो बाईसी से जो है, जो एआईएम में थे, यानी एआईएम को 5 सीटें मिली थी जिसमें कि 4 विधायक, ये चारों विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं और पार्टी ने स्वीकारता दी है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान के 10वीं सूची, जो भारतीय संविधान का 10वीं सूची धारा 4 के अंतर्गत में इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय किया है, यानी मिनिमम जो है आपको किसी भी दल का अगर विलय होता है तो 66% होना चाहिए। और आप सब लोग जान रहे हैं 5 में से 4 जो एमएलए जो ज्वाइन किए हैं एआईएम के, यानी हमारे पास 80% है, जो कि नियम कायदा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है, सूची जो है 10वीं सूची के धारा 4 को फुलफिल करता है। इसी टेक्निकल रूप में ये ज़रूरी होता है कि जो इन्होंने प्रस्ताव दिया, जो इन्होंने अध्यक्ष जी के नाम पे दिया चिट्ठी कि इन चारों की इच्छा है कि राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करें, तो फिजिकल रूप से हम लोग आज बिहार विधानसभा भी गए और फिजिकली जो है चारों विधायकों की पेशी आदरणीय अध्यक्ष जी के समक्ष हम लोगों ने रख दिया। हम लोग मिलकर के भी आए हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम इन सभी चारों विधायकों का आभार प्रकट करना चाहते हैं। सभी हमारे
शहनवाज भाई हुए, नईमी साहब हुए, मोहम्मद इजहार अशफी साहब हुए, तैरकुद्दीन अहमद साहब हुए, चारों विधायकों का हम धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इन चारों के आने के बाद हमारा दल और महागठबंधन मजबूत हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कई ऐसे हमारे चारों विधायक जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, चारों आरजेडी के नए विधायक का ताल्लुक राष्ट्रीय जनता दल से पुराना रहा है। 2005-10 में लोगों ने चुनाव भी लड़ा है और शहनवाज भाई तो 2015 में विधायक ही थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो इनकी वापसी जो है, घर वापसी हुई है, जिससे हमारा दल महागठबंधन मजबूत हुआ है और देश के हालात को देखते हुए इन लोगों ने जो फैसला लिया है, ये बाकायदा लीडर फैसला है और हम लोग सब लोग चारों जो नए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोगों ने मिलवाया है, उनका भी आशीर्वाद सभी लोगों से प्राप्त हुआ सभी लोगों पर। तो बड़ी खुशी की बात है कि फिर से पुनः इन लोग देश के हालात को देखते हुए इतना निडर फैसला लेते हुए पुराने घर में वापसी इन्होंने की है, इसलिए हम लोग दिल से इसका स्वागत करते हैं।